भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बाजार बंद कराते हुए किया चक्काजाम। नमस्कार, यूएफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। सहावर बोदर रोड से तहसील तक किया पैदल मार्च, तथा सभी दुकानदार लोगों से अपील की, बाजार बंद कराया। एटा रोड से सहावर रोड पर पहुंचकर तहसील के सामने किया चक्काजाम। कासगंज जिलाध्यक्ष संजय प्रजापति ने उप जिलाधिकारी सहावर को मांग पत्र सौंपा, कहा तीनों काले कानून वापस हों, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, इसलिए केंद्र सरकार किसानों को हल्के में ना ले। आंदोलन तब खत्म होगा जब काले कानून वापस होंगे। सतनाम सिंह सरदार ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो रहा है, इसलिए सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करे। पंचायत को लक्ष्मण प्रसाद वर्मा, रमन साहू, बिलेश सोलंकी, रणवीर सिंह ने भी संबोधित किया और कहा तीनों कृषि काले कानून रद्द हो, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए, किसानों को पराली जलाने की छूट दी जाए, विद्युत बिल अधिनियम 2020 निरस्त किया जाए। इस मौके पर बासिफ भाई, कृष्णकांत, नेम सिंह, रामसेवक, गोविंद विपन कुमार, गुरचरण सरदार, कृष्णा भैया, विशाल यादव, मुसीर खान, विनय प्रधान, सत्यभान चौहान, राकेश चतुर्वेदी, विपिन शर्मा, बंटू प्रधान, सुरपाल फौजी, जयपाल, राम नरेश पचौरी, ज्ञान सिंह, हजारों किसान मौजूद रहे। संबंध में प्रदर्शन किया गया है, ये हमारा प्रदर्शन जो किया गया वो भारत सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो गूंगी बहरी सरकार है, उसको जगाने के लिए किया गया है। हमारे किसान 10 महीने से गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, किशन बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये निठल्ली निकली सरकार, बहरी सरकार सुनने को राजी नहीं है। इसलिए हम लोगों को आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान में भारत बंद का आह्वान किया गया। उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ बाजार बंद कराए हैं, दुकानें बंद कराई हैं, रोड शो किए हैं, कहीं जाम भी किए हैं, और हमने अभी अपना मांग पत्र जो है तीनों कृषि कानून रद्द हों, एमएसपी पर गारंटी हो और विद्युत विधेयक अधिनियम 2020 निरस्त हो, उसका मांग पत्र उप जिलाधिकारी सीओ सहावर के माध्यम से प्रधानमंत्री को पहुंचवाया। आज आपके द्वारा भारत बंद का आह्वान का किया गया था, तो क्या लगता है कितना जो असर इसका दिखाई दिया आपको? इसका असर तो बहुत दिखाई दिया, ये तो पब्लिक में भी जा रहा है। सारे दुकानदारों ने हमारा बहुत सहयोग किया है, हमारे कहते ही सभी दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं, ट्रेरी वालों ने ट्रेरी बंद करी। आप देख रहे हैं रोज की भांति क्या आज चहल पहल है रोडों पर, वो चहल पहल नहीं है, और सब लोग समर्थन कर रहे हैं। सरकार की आंखें अब भी नहीं खुलेंगी तो ये बहुत धरातल में चली जाएगा। तो क्या क्या मांगे हैं आपकी मुख्य मांगे? हमारी मुख्य मांगे हैं एमएसपी गारंटी कानून मिलेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो सरकार ने, भारत सरकार ने तीनों काले कानून बनाए हैं वो रद्द हों, उन 2020 विद्युत विधेयक अधिनियम निरस्त हो और पराली जलाने की छूट किसान को मिले। यूएफटी लाइव के लिए जयचंद्र की रिपोर्ट।